भाई का बटुआ रोड पे पड़ा पड़ा मिला। मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसमें इसका मोबाइल नंबर मिला, तो मैंने संपर्क किया तो मोबाइल बंद आ रहा था। काफ़ी समय के बाद संपर्क करने के बाद भाई का नंबर कॉन्टेक्ट में आया, तो मैंने बात की तो भाई को संदेश दिया कि आपका वॉलेट मेरे पास है, कम से कम उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये नगद थे, कैश था, और डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। तो मैंने भाई को बुला के इसके फास्ट फूड पे उसका वॉलेट वापस कर दिया। क्या नाम है? हमारी शॉप का नाम है इसके फास्ट फूड। मेरा नाम है कुलदीप, गांव मोड़ से हूँ। मेरा नाम सोनू खरब है, मैं बकलाना गांव से हूँ, और मैं 5 दिन में हरिद्वार से लौटा हूँ, कावड़ के लिए जा रहा था, और मेरा फ़ोन हो गया रास्ते में ख़राब। 2 दिन हो गए से मेरा कई तरह का काम है, फ़ोन ऑटोमेटिक आ रहे थे, गांव वाले घर आने लगे, फिर मैं नरनौंद आया था, और नरनौंद मैंने पेटवाड़ तेल करवा पेट्रोल पंप पे, उसके बाद मेरा बटुआ गुम हो गया। मैंने दुकान पर देखा, उन्होंने पैसे मांगे, भाई इतने पैसे दे मोबाइल के, मैंने देखा भाई मेरे पास तो पर्स नहीं है। फिर उसके बाद मैं यहाँ राउंड लगाने लगा, मेरा फ़ोन चार्ज ठीक होने के बाद 10% फ़ोन ठीक हो गया, 2% हो गया। फिर मैंने फ़ोन खोला, इनके फ़ोन बजने लगे और भी बजने लगे, तो इनने मेरे को बताया भी आपका कुछ गुम हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई मेरा पर्स गुम हो गया, उसके अंदर 20-25 हज़ार रुपये थे और डॉक्यूमेंट थे मेरे कीमती। इन्होंने कहा भाई यहाँ आओ खंड मोड़ के ऊपर और आपके पैसे ले जाओ, पर्स ले जाओ। मैं यहाँ आया, इन्होंने जैसे भी मेरा जैसे का जैसा था वो सारे पैसे लुटा दिए है और मेरे डॉक्यूमेंट सभी लुटा दिए, और मैंने मीठा मुँह कराया है सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण खंड मोड़ पर काम कर रहे हैं 8 साल से, और इसकी नज़र एक बटुए पर गई, जिसने मेरे को आके दिखाया कि ये बटुआ रोड पर पड़ा था। तो फिर मैंने इस कागज़ देखे, काफ़ी पैसे भी थे उसमें, फिर इस भाई का श्रम कार्ड भी था, एटीएम भी था, लाइसेंस भी था, काफ़ी था। मैंने संपर्क किया मोबाइल से तो इसका बंद आ रहा था, फिर 3 घंटे के बाद इसने खोल लिया, ख़राब हो रहा था। फिर मैंने संपर्क किया, भाई तेरा कुछ खोया है क्या? सोनू बोल रहा है बकलाने से, बोलिया यार मैं परेशान हूँ भाई। फिर मैं खंड मोड़ पाया जे, अरे तेरा बटुआ मेरे पास वह ले गया। फिर ये भाई आया, बहुत खुश होया, मैं मका मेरे को नहीं, इस भाई को पाया है जो मेरी दुकान पे काम कर रहा है। फिर भाई ने संपर्क किया, इन्हें मिठाई खवाई इसको, अरे बहुत शाबाशी दी।